हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, हमारे हाथ में है यमीन श्योर। दोस्तों, यमीन श्योर हम अपने पशु को कब देते हैं, किस रोग में देते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम एनिमल से रिलेटेड जानकारी आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, यमीन श्योर, आपके पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब होता है पशु गाभिन नहीं होती है। आपने देखा होगा, आपकी गाय होती है, भैंस होती है, तो उनको हम डॉक्टर द्वारा AI करवाते हैं, सीमे लगवाते हैं, साथ ही साथ बूल से क्रॉस भी करवाते हैं, यानी साढ़ और भैंसे से अपने पशु को क्रॉस भी करवाते हैं। उसके बाद भी हमारी जो पशु होती है वह गाभिन नहीं होती है, बार बार रिपीट कर जाती है। तो दोस्तों, आप क्या दोगे, कौन सी दवा दे ताकि हमारी जो पशु रहे वह रुक सके आसानी से, तो उसी को लेकर दोस्तों हम यह वीडियो आपके लिए क्या आए हैं। यमीन श्योर जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे स्क्रीन पर, जो कि 200 ml का होता है, यमीन श्योर जो कि 200 ml का होता है। आप जब भी अपने पशु की डॉक्टर द्वारा AI कराते हो, यानी सीमन लगवाते हो, या फिर बुल द्वारा क्रॉस करते हो, साढ़ या भैंसे द्वारा क्रॉस करवाते हो, तब हम इनको अपने पशु को, गाय को यमीन श्योर देंगे। देना कितना है, यह 200 ml का डोज आता है पूरा एक साथ। जी दोस्तों, AI करने के आधे घंटे बाद पूरा एक साथ इस दवा को पिलाना पड़ता है। अगर दोस्तों यह दवा आप पिला देते हो तो 99% पशु गाभिन होना तय होता है, प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप अपने पशु को यमीन श्योर दवा पिलाते हैं। दोस्तों, 200 ml आपको पिलाना है आधे घंटे के अंदर। वह क्या करता है, जो कभी कभी यूट्रस में सही से ओवुलेशन नहीं बनता है, सही से जायगोट नहीं बनता है, तो पशु हमारी गाभिन नहीं हो पाती है। अगर आप यह देते हो तो आसानी से पशु के यूट्रस में ओवुलेशन होगा, पशु हमारी गाभिन होगी। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यमीन श्योर जो है 200 ml का आता है, लेकिन इसकी MRP क्या है, तो दोस्तों इसकी MRP है 180 रुपये, और आपको यह 150 रुपये के नियर अबाउट मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किसी भी प्रकार की समस्या हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारे प्यारे यूट्यूब।